अंबाला छावनी में ब्राह्मण समाज परशुराम चौक बनाने के लिए एक साल से संघर्ष कर रहा है, जिसके बाद ब्राह्मण समाज ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मिलकर परशुराम चौक बनाने की मांग की थी। ब्राह्मण समाज को परशुराम चिन्ह बनाने की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन इसी बीच अनिल विज ने परशुराम चौक बनाने की जिम्मेदारी किसी और संगठन के पदाधिकारी को दे दी। ब्राह्मण समाज ने अब मांग उठाई कि उनके द्वारा बनाया गया परशुराम का चिन्ह उसी चौक पर सुशोभित किया जाए। इसके साथ ही ब्राह्मण समाज ने गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद भी किया। जंगशेर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी से। ये सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य है, भगवान परशुराम जी का चिन्ह हमने बनवा लिया है। अभी हम इसके लिए एक साल से, लगभग एक साल हो गया है, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। यहाँ पे अंबाला छावनी में भगवान परशुराम चौक जो तोड़ दिया गया था सड़क निर्माण के चलते, उसको बनवाने के लिए हम राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी संघर्ष कर रही थी कि ये इस चौक का पुनर्निर्माण हो। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एसडीएम को ज्ञापन दिया था श्री अनिल विज जी के नाम, और फिर हम अनिल विज जी से भी मिले थे। दो बार पहले मिले, एक बार जनता दरबार में गए, और अभी 20-25 दिन पहले अंदाजा हम फिर मिले श्री अनिल विज जी से। हमारे 50-60 जो सदस्य थे, पदाधिकारी थे, सभी मिले, और उन्होंने हमें बोला था कि आप चिन्ह बनवा लें और फिर परशुराम चौक का निर्माण होगा। तो हमने यह चिन्ह बनवा लिया है, और आज ही हमें एक अखबार के माध्यम से पता चला है कि कल श्री विज साहब जी ने एक अन्य संगठन के पदाधिकारी को इसकी जिम्मेवारी दे दी है। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है ब्राह्मण समाज के लिए कहीं ना कहीं, और हमें बड़ी खुशी है। हमारा एक ही लक्ष्य था कि भगवान परशुराम जी चौक का निर्माण हो अंबाला छावनी में। बस इतना है कि उस चौक के ऊपर हमें अनुमति दी जाए, यह चिन्ह लगाया जाए जो हमने इतनी मेहनत से, हमारे सदस्यों के पैसों से, उनके सहयोग से बनाया गया है। बहुत ही भारी है, और ये लगाया जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। मैं यही चाहता हूँ कि सभी जितने भी ब्राह्मण संगठन यहाँ पर हैं अंबाला के अंदर, सभी मिलजुल कर इसमें सहयोग करें, और हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और यही निशान हम उनको उस चौक पर लगाने के लिए तैयार हैं। बस ये हमारा मानना है कि सभी मिलजुल कर, सारे ब्राह्मण भाई इकट्ठा होकर ये इस तरह के शुभ कार्य करें। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, और मंत्री जी से अनुरोध करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि निशान बनवा लें, तो वो निशान बन के तैयार हो चुका है, और इसको अब उस चौक के ऊपर सुशोभित किया जाएगा।